डियर स्टूडेंट्स वेलकम ऑन आरसी ऑनलाइन पाठशाला। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो देखिए कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट का माइनस वन, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा फोर क्या होता है वन होता है। इतना आपको मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद देखिए अब हम कुछ नया समझते हैं आज की क्लास से। इतना मैंने पढ़ा दिया था, अब देखो कहीं भी आपको लिखता मिले वन अपॉन आयोटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान देना आप कैसे करेंगे। देखो जो आयोटा होता है वो जनरली अपने डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता है, और जब डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता तो देखिए वन अपॉन आयोटा तो क्या करना है, डिनोमिनेटर और जो न्यूमिनेटर है अपने, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उनको हमने आयोटा बाई आयोटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ऊपर क्या आया आयोटा, नीचे क्या आया आयोटा स्क्वायर। तो देखिए ऊपर क्या है आयोटा और माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और यहां से क्या आ गया माइनस आयोटा। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वन अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा। वो होती कैसे है ये आपने देखा कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ, तो ऊपर तो क्या रहा आयोटा और नीचे क्या हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा कंप्लीट। उसके बाद देखो वन अपॉन आयोटा स्क्वायर है कहीं पर, तो आप क्या लिखोगे ध्यान देना वन अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, अभी हमने सीखा है, और यहां पे क्या आएगा माइनस वन। ऐसे ही जो हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट की है ना इन पर ही बेस्ड है आज की क्लास पूरी। तो देखिए अगला है वन अपॉन आयोटा क्यूब। आप देखो वन अपॉन आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ये लो माइनस आयोटा लिख दिया मैंने। उसके बाद बताओ देखो माइनस बाहर आया और वन अपॉन आयोटा रहा, ये माइनस को मैंने आगे ले लिया और क्या बच गया वन अपॉन आयोटा। अब वन अपॉन आयोटा क्या लिखोगे माइनस वन अपॉन आयोटा की वैल्यू क्या है वन अपॉन आयोटा ही रहा, देखो वन अपॉन आयोटा ही रहा और इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस आयोटा, तो यहां पर क्या लिखोगे माइनस आयोटा और यहां पर क्या आया आयोटा, हो गया ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आयोटा की वैल्यू रूट में माइनस वन है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है, आयोटा फोर की वैल्यू वन है। तो देखिए वन अपॉन आयोटा है वो क्या होगा माइनस आयोटा, और वन अपॉन आयोटा स्क्वायर है वो क्या होगा माइनस वन, और वन अपॉन आयोटा क्यूब है वो क्या होगा आयोटा होगा। ये आया कैसे ये आपको मैंने बता ही दिया, वन अपॉन आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा, तो क्या हो गया माइनस आगे लगा और वन अपॉन आयोटा, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने माइनस लगाया और वन अपॉन आयोटा क्या होता है माइनस आयोटा, तो इक्वल टू आयोटा हो गया। उसके बाद देखिएगा ध्यान देना वन अपॉन आयोटा की पावर फोर, तो देखो आयोटा की पावर फोर क्या है वन, तो वन अपॉन वन इक्वल टू वन कंप्लीट इतना। और देखिए हम जो भी आगे अब इससे जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं की हेल्प को लेते हुए हम उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में, ये वैल्यूज मुझे लगता है आपको याद हो गई होंगी, लर्न कर लिया होगा कि आयोटा की वैल्यू रूट में माइनस वन होती है। ये आयोटा इमेजिनरी नंबर है, कभी आप इसको रियल नंबर मान के चलो, इसीलिए आपने ये चीज टेंथ तक नहीं पढ़ा था कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखिए ध्यान देना, देखो इतना तो आपको पता ही है कि आयोटा की पावर फोर क्या होता है वन होता है, ठीक है। अब ध्यान दो आयोटा की पावर वन फोर और मैं थ्री कर देता हूं, मतलब आयोटा की पावर वन फोर्टी थ्री, ये क्या आएगा देखो ध्यान दो। सबसे पहले आप वन फोर्टी थ्री में फोर का डिवाइड करो, करो एक बार देखो क्या आता है थ्री फाइव, और ये थ्री क्या हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो हमें आयोटा की पावर फोर पता है कितनी है, आयोटा की पावर फोर कितनी है वन है, इसलिए मुझे फोर से डिवाइड करना पड़ रहा है,
देखो आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या कर दो 35, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर कितनी कर दो 35, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करो आयोटा की पावर क्यूब से कर दो मल्टीप्लाई, क्लियर है ना। आयोटा की पावर देखो 4 है, वो क्या है 1 है, कंप्लीट। तो आयोटा की पावर 143 है। अब देखो आयोटा की पावर 4 है और इसकी क्या लगा दो 35, क्यों लगा दो, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया तो यही तो आपको मिल रहा है 35 की। तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, 35 4 जा, यानी 35 4 जा क्या होता है 140, तो आयोटा की पावर 140 और 1 आयोटा की पावर 3 क्या होता है 143, क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है। तो आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या है 35, ऐसे आयोटा की पावर क्यूब है। तो ये देखो आयोटा की पावर 4 क्या होगा 1, बता रखा है ना 1 है, और 1 की पावर क्या हुआ 35 और ये क्या है आयोटा क्यूब। तो 1 की पावर कितनी भी हो क्या आएगा 1, और यहां पे क्या हुआ आयोटा क्यूब, और इसको करोगे तो क्या आया आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा ही था, आया ना समझिए। देखो आयोटा की पावर 143 किया है मैंने, तो क्या हुआ। देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी मिले आपको डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड किया आपको क्या मिला 35, तो आपने क्या किया आयोटा की पावर 4 35, बच कितना गया आयोटा की पावर क्यूब। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 लिखा, इसकी पावर क्या है 35 और आयोटा क्यूब है, अब 1 की पावर कितनी भी करूं क्या आएगा 1 और आयोटा क्यूब लिख दिया, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, कंप्लीट हो गया सवाल। अब एक क्वेश्चन और देख लो, आयोटा की पावर 3 देख लो आप, तो क्या करेंगे 3 में आप 4 का डिवाइड करो क्या आएगा 8 बार गया 4 8 से 38 और रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो देखो क्या करना है आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर क्या करो 8, समझिए। जैसे यहां पे क्या किया था आयोटा की पावर 4, ये तो लगाना ही है हमेशा आयोटा की पावर 4 और कितनी बार गया 8 टाइम्स गया 8 कर दिया, और बच कितना गया आयोटा की पावर 1, तो यहां पे क्या आया 1 की पावर 8 और ये क्या है आयोटा, और यहां से क्या आया आयोटा, क्योंकि 1 की पावर 8 क्या होगा 1 और ये आयोटा, और ये क्या मिला आयोटा, यही आपका क्या है आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो इस टाइप के, फिर क्वेश्चन आप अपने से करना, मैं लिखता हूं देखो आयोटा की पावर 4 ये लिख देता हूं, ठीक है। इसमें आप क्या करो 7 to 9 में आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 एक बार गया कितने हो गए 3 और 2 हो गया, और आपने 9 नीचे ले लिया तो 2 और आप क्या बच गया रिमाइंडर 1, तो देखो ध्यान से आयोटा की पावर 4 और इसकी क्या लगाऊंगा 182, ठीक है ना। आयोटा की पावर 4 कितने बार गया 182 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या है आयोटा की पावर 1, देख लो वैसे भी 4 2 8 और ये क्या होगा 72 सही है, तो देखो ये क्या आया इसकी पावर 1 की पावर क्या करेंगे 182 और आयोटा की पावर 1 आयोटा, अब 1 की पावर कितनी भी करो क्या आएगा 1 डॉट आयोटा और यहां से क्या आया आयोटा, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि अगर आयोटा की पावर, ये तो क्या थी ये पॉजिटिव टर्म्स थी, देखो आयोटा की पावर ये रहा ये रहा ये रहा, इन सब में क्या आया था आयोटा पॉजिटिव, नेक्स्ट में क्या आएगा नेगेटिव, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए, और बच्चों मैं एक बात बोल देता हूं कि आप जो वीडियो देखते हैं इनको एक ऑर्डर से देखा करो, जैसे आज पहला देखा कल दूसरा तीसरा इस टाइप में, अगर आप वीडियोस को आगे पीछे देखोगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो आज के लिए इतना ही,